डिस्क्लेमर दिस वीडियो इज फॉर एजुकेशन एनी टिप्स ऑप्शन ट्रेडिंग में सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो आपका रिस्क है वो बैलेंस्ड लेवल पे होना चाहिए अगर आप ऑप्शन की कोई भी पोजीशन इंट्रा डे बेसिस पे बनाते हैं या फिर आप पोजिशनल बेसिस पे बनाते हैं तो उसके लिए तरीके बहुत सारे हो सकते हैं तो जैसे अगर हम इंट्राडे ट्रेडिंग की बात करते हैं तो इंट्राडे ट्रेडिंग में अगर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग में सस्टेनेबल होना है या आपको कॉन्फिडेंट होना है तो इसके लिए एक तरीका ये है कि आप स्ट्रेडल के फॉर्म में भी अपनी ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं स्ट्रेडल मतलब होता है अगर हम कोई भी एक ही स्ट्राइक प्राइस का कॉल और पुट दोनों को बाई करते हैं तो इसको हम लॉन्ग स्ट्रेडल बोलते हैं अगर हम एक ही स्ट्राइक प्राइस के कॉल और पुट दोनों को सेल करते हैं तो इसको हम शॉर्ट स्ट्रेडल बोलते हैं अब लॉन्ग स्ट्रेडल किस कंडीशन में बनाना है और शॉर्ट स्ट्रेडल किस कंडीशन में बनाना है इसके लिए जो सिचुएशन होती है उसको हम स्क्रीन पे समझते हैं स्ट्रेडल इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है अगर आप शॉर्ट स्ट्रेडल करते हो तो शॉर्ट स्ट्रेडल को कोशिश करना है कि इंट्राडे में ही करना है शॉर्ट स्ट्रेडल को कैरी ओवर नहीं किया जाता क्योंकि शॉर्ट स्ट्रेडल में आपने जो भी कॉल या पुट सेल किया हुआ है दोनों सेम लेवल का हो सकता है नेक्स्ट डे किसी भी साइड में गैप अप या गैप डाउन हो जाए या बड़ा मूव आ जाए वो हम नहीं जान सकते इसीलिए शॉर्ट स्ट्रगल कभी भी करना है इसको इंट्राडे में करना है अब आते हैं कि शॉर्ट स्ट्रेडल और लॉन्ग स्ट्रेडल कब कब हमको बनाना है तो लॉन्ग स्ट्रेडल अगर आप बनाते हो तो लॉन्ग स्ट्रेडल को नेक्स्ट डे के लिए भी आप कैरी ओवर कर सकते हो दो दिन के लिए कैरी ओवर कर सकते हो क्योंकि जब लॉन्ग स्ट्रेडल करते हो तो आपने कॉल तो और पुट दोनों बाई किया हुआ है तो आपका लॉस डिफाइंड है, है कि भाई वो दोनों कॉल और पुट दोनों जीरो हो सकता है लेकिन अगर आपने शॉर्ट स्ट्रेडल बनाया हुआ है तो अगर एक साइड में पाँच पॉइंट हज़ार पॉइंट मूव कर गया तो आपका तो जो इन्वेस्टमेंट है या आपने जो पैसा लगाया है उससे चार गुना ज़्यादा आपका लॉस हो सकता है इसीलिए शॉर्ट स्ट्रेडल कभी भी कैरी ओवर नहीं करना है सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग स्ट्रेडल को आप कैरी ओवर कर सकते हो अब कब कब कंडीशन में कैरी ओवर करना है जैसे अगर आप मार्केट बंद होने के समय आपको दिख गया कि नेक्स्ट डे नेरो सी पी आर है नेक्स्ट डे नेरो सी पी आर है तो मार्केट बंद होने के टाइम में तीन बज के पच्चीस मिनट पर आप कॉल और पुट दोनों को बाई करके कैरी ओवर कर सकते हो नेक्स्ट डे के लिए ये बेस्ट कंडीशन होता है दूसरा ये है कि ट्रेंड रिवर्सल तो जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि कंटिन्यू असेंडिंग सी पी आर का फॉर्मेशन था उसके बाद ये डिसेंडिंग सी पी आर बना है मतलब यहाँ पर ट्रेंड रिवर्सल का एक कंडीशन बन रहा है तो नेक्स्ट डे नेक्स्ट डे किसी भी डायरेक्शन में बड़ा मूव आ सकता है तो जो यहाँ पे लॉन्ग स्ट्रेडल बना के रखा होगा मतलब कॉल और पुट दोनों बाई करके रखा होगा सेम स्ट्राइक प्राइस का या हंड्रेड रुपीज़ का दोनों का अगर प्राइजिंग होगा तो आप देखोगे कि एक साइड का जो प्रीमियम है वो डबल से ज़्यादा हो जाएगा और दूसरे साइड का प्रीमियम वन थर्ड के आसपास हो जाएगा तो नेट नेट अगर वो बड़ा मूव आता है नेक्स्ट डे तो उसको प्रॉफिट हो जाएगा तो आपको लॉन्ग स्ट्रेडल ही कैरी फॉरवर्ड करना है कभी भी और लॉन्ग स्ट्रेडल कैरी फॉरवर्ड करोगे तो ये ध्यान रखना है कि ट्रेंड रिवर्सल के केस में सबसे बेहतर होता है और नेरो सीपीआर के केस में बहुत बेहतर होता है तो नेरो सीपीआर में भी ये देख लेना कि आर वन प्रीवियस डे हाई और सी के बीच में डिस्टेंस कम हो तभी इसको नेरो मानना है अगर इन दोनों के बीच में गैप ज़्यादा होगा तो उसको नेरो आप नहीं मान सकते है ना तो कभी भी ये देख लेना कि कल नेरो सीपीआर हो और आर वन और सीपीआर के बीच में गैप कम हो तो हो ही नेरो मानना तभी आप लॉन्ग स्ट्रेडल को कैरी फॉरवर्ड करेंगे और जैसे अगर आपको दिख जाता है कि नेक्स्ट डे वाइडर सीपीआर है तो वाइडर सीपीआर है तो या तो आप आयरन कोंडोर बना के ले जाओ नेक्स्ट डे के लिए या फिर आपको स्ट्रेडल बनाना है तो इंट्रा में ही बनाना है तो जैसे अगर मान लो नेक्स्ट डे आपको ट्रेंड रिवर्सल सी है मान लो प्राइस सी के बीचों बीच खुल जाता है सी के बीचों बीच खुल जाता है और कंपेरेटिवली नेरो सी भी है और ट्रेंड रिवर्सल सी भी है तो सी के बीचों बीच खुल जाता है और थोड़ा देर कंसोलीडेट करता है आप यहाँ पर लॉन्ग स्ट्रेडल बनाएंगे लेकिन अगर यही वाइडर सी रहता और ये सी के बीचों बीच खुलता तो यहाँ पर आप शॉर्ट स्ट्रेडल बनाते कॉल और पुट दोनों को बेच देते कॉल और पुट दोनों को बेच देते अगर मान लो कॉल साइड में प्राइस ऊपर की ओर जाता तो जब आर वन प्रीवियस डे हाई के पास जाता ना तो आपको कॉल जो सेल करके रखे हैं उसको होल्ड रखना है और पुट जो सेल करके रखे हैं उसमें अच्छा खासा प्रॉफिट दिखेगा तो पुट जो सेल किए हैं उस पोजीशन से प्रॉफिट बुक कर लेना है और जो कॉल सेल किए हैं उस पोजीशन को होल्ड रखना है क्योंकि वाइडर सीपीआर है तो प्राइस वापस सीपीआर पे आएगा तो जो कॉल सेल में आपको लॉस दिख रहा होगा वो वापस सी पे आएगा वो प्रॉफिट में आ जाएगा तो आपका नेट नेट प्रॉफिट आ जाएगा तो कभी भी स्ट्रेडल बनाना है वाइडर सीपीआर है वाइडर सीपीआर है सीपीआर के बीचों बीच मिलता है आप शॉर्ट स्ट्रेडल बनाइए अगर आपको नेरो सीपीआर है और सीपीआर के बीचों बीच मिलता है लॉन्ग स्ट्रेडल बनाना है वन वे वो भागेगा किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है आर टू तक चला जाए एक डायरेक्शन में तो आपको एक साइड का प्रीमियम डबल से तिबल हो जाएगा और दूसरे साइड का प्रीमियम है वो वन थर्ड हो जाएगा तो भी आप नेट नेट प्रोफिट में रहोगे अगर नेरो सी है और प्राइस आर प्रीवियस डे हाई इसके बीचों बीच सस्टेन कर रहा है या कंसोलिडेट कर रहा है तब भी आप लॉन्ग स्ट्रेडल बना सकते हैं अगर ये वाइडर सी है और इसके बीचों बीच चल रहा है तो आप यहाँ पे शॉर्ट स्ट्रेडल भी बना सकते हैं तो शॉर्ट और लॉन्ग स्ट्रेडल तभी बनाना है जब आपको कंडीशन क्लियर हो नो सी हो ट्रेंड रिवर्सल सी हो नेक्स्ट डे नेरो सी हो नेक्स्ट डे ट्रेंड रिवर्सल सी हो आपको हमेशा लॉन्ग स्ट्रेडल के साथ जाना है और जब वाइडर सी हो तो इंट्रा में आप शॉर्ट स्ट्रेडल बना सकते हो बसरते प्राइस जो है सी के बीचों बीच होना चाहिए तभी आप शॉर्ट स्ट्रेडल बनाएंगे और शॉर्ट स्ट्रेडल बनाने के बाद एक साइड जैसे ही पहुंचता है मान लो नीचे की ओर एस वन तक आ जाता है एस वन तक आ जाता है तो पुट में आपको लॉस दिख रहा होगा कॉल में आपको प्रॉफिट दिख रहा होगा तो कॉल में जो प्रॉफिट है उसको बुक कर लेना है और जो पुट में लॉस दिख रहा है उसको होल्ड करना है प्राइस वापस जाएगा क्योंकि वाइडर सीपीआर है तो सी पी आर तक वापस ट्रेवल करेगा तो जैसे ही वापस ट्रेवल करेगा आपका पुट में जो लॉस दिख रहा होगा वो भी कवर हो जाएगा तो एक साइड आपका ऑलरेडी अच्छा प्रॉफिट हो ही चुका है उसका प्रीमियम डबल हो ही चुका है और इधर पे जो भी आपका लॉस था वो कवर हो गया तो आपको तो नेट नेट अच्छा प्रॉफिट है तो वाइडर सीपीआर हो नैरो सीपीआर हो तो ये सारी कंडीशन को ध्यान में रखते हुए ही आपको स्ट्रेडल में लॉन्ग स्ट्रेडल या शॉर्ट स्ट्रेडल बनाना है होप आपको क्लैरिटी आ गया होगा कि किस तरीके से हम लॉन्ग स्ट्रेडल और शॉर्ट स्ट्रेडल बना के अपने ट्रेड को बेहतर कर सकते हैं सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट थैंक यू फ्रेंड्स अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फॉर कम्प्लीट लर्निंग यू कैन ज्वाइन अवर मास्टर क्लास लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो